दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को किसी न किसी शो में परफॉर्म करते या एज अ गेस्ट जाते हुए तो देखा ही होगा। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज दिखाने वाले हैं जिन्होंने स्टेज पर ऑन द कैमरा ही अपने लाइफ पार्टनर को प्रपोज किया। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बट दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए जो हमारी मेहनत लगती है उसके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 6 पर आते हैं उपन पटेल और करिश्मा तन्ना। दोस्तों, एक दफा उपन पटेल और करिश्मा तन्ना दोनों ही नाच बलिए शो में आए हुए होते हैं, जहां पर उपन पटेल करिश्मा तन्ना को प्रपोज कर देते हैं, जो कि आप भी देखिए। And before you say anything, I would like to request Krishma's mom and sister on stage pe aa sakte hain. दोस्तों, कुछ लोग इनके बारे में कहते थे कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, पर दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नंबर 5 पर है रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। दोस्तों, एक दफा दीपिका पादुकोण आईफा अवार्ड्स में आई होती हैं और इस शो को रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर होस्ट कर रहे होते हैं, और जब दीपिका पादुकोण अवार्ड लेने स्टेज पर आती हैं तो रणवीर सिंह इन्हें प्रपोज करते हैं, जो कि आप भी देखिए। दीपिका इज हियर। मैं इनको थोड़ा इम्प्रेस करना चाहता हूँ, मैं इनको शायरी सुनाना चाहता हूँ। अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। सुबह सुबह तुम्हारी यादों से मेरा चेहरा रोशन होता है। दैट वाज अ ट्रायल बॉल। वन मोर दीपिका। दोस्तों, अगर आपको रणवीर और दीपिका की जोड़ी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नंबर 4 पर है श्रद्धा कपूर और वरुण धवन। दोस्तों, एक दफा श्रद्धा कपूर और वरुण धवन नच बलिए शो में आए होते हैं, तो वहां पर श्रद्धा कपूर बताती हैं कि उन्होंने किस तरह वरुण धवन को प्रपोज किया था, जो कि आप खुद देखिए। ये जो बैठे हैं मेरे राइट में, हाँ, वरुण धवन, हाँ जी, ये इनके चाइल्डहुड क्रश है। तो हम दोनों छोटे थे, ऑब्वियसली मैं और वरुण एक दूसरे को जानते हैं जब से हम छोटे। हमारे डैड्स ने काफ़ी फिल्में की है साथ में, तो मैं इनको बहुत, मतलब बहुत पसंद करती थी। और इनका मतलब वो बॉयज गो थ्रू दैट फेज ना, कि नहीं हमें लड़कियां पसंद नहीं है, वी हेट गर्ल्स, तो उनका वो फेज चल रहा था। लेकिन मुझे इन पे जबरदस्त क्रश था। हम शूट पे थे, कहीं कोई हिल स्टेशन पे गए थे, काफ़ी रोमांटिक भी माहौल था, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो सबसे हाई था। तो मैंने ठान लिया था कि मैं अभी वरुण को बताने वाली हूँ कि आई लव हिम। तो मैंने डिसाइड किया कि इनको एक माउंटेन टॉप पे लेके जाऊंगी, पर थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लूंगी। ये बचपन की बात है। बचपन की, हम 8 साल की थी और वरुण 6। तो माउंटेन के ऊपर लिखी गई और मैंने बोला कि थोड़ा कहानी में ट्विस्ट ला देती हूँ, मैं उनको आई लव यू एक अलग तरीके से बोल देती हूँ। तो मैंने कहा कि वरुण, मैं आपसे कुछ कहूँगी और यू हैव टू मेक इट स्ट्रेट, मैं रिवर्स कहूँगी। तो मैंने कहा ओके रेडी, यू लव आई। और एग्जैक्टली वैसे ही उनका चेहरा हो गया था। कोई गेम खेल रही है, कुछ होगा या कोई लोग आएंगे माउंट में। और इनका रिप्लाई था नो। तो फिर इन्होंने मेरा बेसिकली दिल तोड़ा। तो मेरा नंबर 3 पर है कटरीना कैफ और विकी कौशल। दोस्तों, एक दफ़ा विकी कौशल भी अवार्ड शो होस्ट कर रहे होते हैं और कटरीना कैफ अवार्ड लेने स्टेज पर आती हैं, तो विकी कौशल भी कटरीना कैफ को प्रपोज करते हैं, जो कि आप भी देखिए। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, आप किसी अच्छे से विकी कौशल को ढूंढ के शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी का सीजन चल रहा था, मुझे लगा आपका भी मन कर रहा होगा, तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ। शादी करो। आज तक जितनी लड़कियां तुम दोनों को नहीं मिली, उनका खामियाजा भरने के लिए एक ही लड़की काफी है। इधर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हाय कटरीना, सवाल पूछो। ऑफ कोर्स, एनीथिंग, बोलिए। एक घर में दो दोस्त रहते थे, आई मिस यू, आई लव यू। आई मिस यू चला गया दही लाने, बचा कौन? आई लव यू।
नंबर दो पर है यासिर हुसैन और इकरा अजीज। दोस्तों इकरा अजीज जो कि पाकिस्तानी ड्रामों की टॉप हीरोइन मानी जाती हैं, एक दफ़ा लक्स स्टाइल अवार्ड शो में आई होती हैं, तो वहां पर यासिर हुसैन उन्हें प्रपोज करते हैं, जो कि आप खुद देखिए। मैं बहुत स्क्रिप्ट्स भी लिखता हूं और एक्टिंग भी करता हूं, तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन जब जिंदगी का मामला आता है तो फिर सब कुछ भूल जाते हैं लोग। तो मुझे एक लड़की मिली, मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी जाए। इतना कंफ्यूज मैं ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ, रिजल्ट के वक्त भी नहीं हुआ। मेरी टांगों में अब इतनी जान नहीं है कि वो खड़े रहें, तो मैं ज़मीन पे बैठना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। नंबर एक पर है दीपिका कक्कर और शुएब इब्राहिम। दोस्तों एक दफ़ा शुएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर नच बलिए शो में परफॉर्म करते हैं और परफॉर्मेंस के बाद शुएब इब्राहिम दीपिका कक्कर को प्रपोज कर देते हैं, जो कि आप खुद देखिए। किसी को हमेशा बहुत शिकायतें रहती हैं हमसे कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो आँखें बंद करो, आँखें बंद करके रखना, ठीक है? सो दोस्तों ये थी हमारी आज की उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर बनी वीडियो जिन्होंने ऑन स्टेज अपने लाइफ पार्टनर को प्रपोज किया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड दोस्तों अगर हमारे चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। एंड दोस्तों हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं।